सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। रोहतक रोड पर बने फ्लाईओवर को मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और भाजपा नेता राजीव जैन ने छोटे वाहनों के लिए शुरू करवाया। उन्होंने बताया कि इस फ्लाईओवर को 15 दिन के लिए बंद किया गया था ताकि उसकी मरम्मत की जा सके, लेकिन अब लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, छोटे वाहनों के लिए इसे खोला गया है। इसकी मरम्मत का काम पूरा हो गया है, लेकिन रेलवे की सेफ्टी टीम अभी इसे चेक करने नहीं आई है, जिस कारण इसका आवागमन अभी बंद था। सावन माह की शुरुआत हो गई है और कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है, और जब कांवड़िया इस पुल पर चलेंगे तो ट्रैफिक पूरी तरह से जाम रहेगा। इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने दोनों विभाग के अधिकारियों से बात की और दोपहिया वाहनों और कारों के लिए इसे खोला गया है। इससे ट्रैफिक का दबाव बहुत कम होगा और लाइन पार से बस अड्डे की तरफ आने वाले नागरिकों को बहुत ही सुविधा मिल पाएगी। वहीं राजीव जैन ने विधायक और मेयर द्वारा दिए गए धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा था। सोनीपत नगर निगम के मेयर कांग्रेस पार्टी के हैं, क्या मेयर ने नगर निगम की सड़कों को ठीक करवा दिया? विधायक को मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की शहर के विकास कार्यों के लिए। यह पहली सरकार है जो विपक्ष के विधायकों को भी फंड दे रही है। सोनीपत के मेयर लगातार दावे करते हैं कि मैंने शहर में विकास कार्य करवाए हैं, फिर यहाँ उनके दावे खोखले साबित क्यों हो रहे हैं? ये 15 दिन के मरम्मत के लिए जो है बंद किया गया था और अब लगभग जो है 4 महीने के बाद छोटे वाहनों के लिए जो है इस पुल को शुरुआत कराई गई है। इसकी मरम्मत का काम पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे की जो सेफ्टी टीम है वो अभी तक आई नहीं है, जिसकी वजह से आवागमन शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन ट्रैफिक के भारी दबाव को देखते हुए और अभी जो है श्रावण मास शुरू हो चुका है, कांवड़ियों का आवागमन भी जो है शुरू होगा, इसलिए एक पुल पर जब कांवड़ियाँ चलेंगे तो ट्रैफिक जो है पूरी तरह से जाम रहेगा। यही बात जो है मैंने रेलवे विभाग के अधिकारियों के, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के जो है ध्यान में लाई और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो है आज इस पुल पर मरम्मत का काम हालांकि पूरा हो चुका है, लेकिन अभी जो है फिलहाल क्योंकि कोई जो है जोखिम मोल नहीं ले सकते, इसलिए छोटे वाहनों के, दोपहिया वाहन और जो है कारों के लिए जो है इस पुल को आज जो है खोला जा रहा है। और इस पुल की जो है मरम्मत भी लगभग लोक निर्माण विभाग जो है 1,87,00,000 रुपए की लागत से इस पुल पर जो है दोबारा से सड़क और लेयर बिछाने का भी काम जो है अभी 15 दिन के बाद शुरू करेगा, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है शहर में ट्रैफिक का दबाव बहुत कम होगा और जो हमारे लाइन पार क्षेत्र से इधर आने वाले लोग हैं बस अड्डे की तरफ, उनको जो है बड़ी भारी सुविधा होगी। जैन साहब, बात करें हम शहर के विकास की, तो सड़कों के हाल ख़राब हैं और एक बारिश में ही पूरा शहर जाम हो गया था और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो खुद धरने पर दे रहे हैं, कहते हैं कि भाई अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है केवल एक राजनीतिक ड्रामा था। मेयर नगर निगम का उनका है और मेयर ने नगर निगम की जो सड़कें हैं क्या वो मरम्मत करा दी, मैं पूछना चाहता हूँ। विधायक को मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की कि शहर की सड़कों की मरम्मत कराई जाए, ये विधायक का काम है। देखिए, पहली ऐसी सरकार है जो विपक्ष के विधायकों को भी फंड दे रही है, पैसा दे रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये विधायक की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों के जल्दी से जल्दी जो है काम शुरू करवाए, और उसमें जो है ये केवल राजनीतिक ड्रामा है कि सरकार हमारी, अरे सरकार इससे ज़्यादा क्या सुन सकती है कि 25 करोड़ रुपए का फंड उनको दे रहे हैं। मेयर जो है लगातार दावे करते हैं कि भाई मैं इतना विकास करा रहा हूँ, मैं इतना विकास करा रहा हूँ, फिर यहाँ जो है दावे क्यों खोखले हो जाते हैं उनके?